दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। खबर रीवा से है, जहां जिले में दुष्कृत्य का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। इसमें सगरा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति पर उसकी बेटियों ने ही दुष्कर्म का आरोप लगाया। दो बेटियों ने अपने पिता पर पिछले 2 साल से दरिंदगी किए जाने का आरोप लगाया है। महिला थाने में ये शिकायत पहुंचते ही FIR दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित बेटियों में एक बालिग जबकि दूसरी नाबालिग बताई जाती है। रिश्ते को शर्मसार करने वाला ये मामला रीवा जिले से आया है, जहां एक पिता पर ही अपनी बेटियों की इज्जत को तार तार करने का आरोप है। आरोपी पिता के द्वारा ये सब पिछले 7 साल से अपनी बेटियों के साथ किया जा रहा था। सामाजिक मान मर्यादा को देखते हुए मां ने भी चुप्पी साध रखी थी, लेकिन जब बेटियों के साथ होने वाली ये हरकत नहीं रुकी तो बेटियों को लेकर मां रीवा में किराए के कमरे में रहने लगी। लेकिन यहां भी पिता पहुंचकर दबाव बनाता था कि बेटियों को घर भेजो। वो लगातार बेटियों को परेशान करता था, जिसे परेशान होकर उनकी मां ने महिला थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है, जिसके बाद आरोपी पर पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बेटियों के साथ दुष्कृत के आरोपी ने पत्नी पर भी काफी जुल्म किए हैं। 2014 में पति ने परेशान होकर सगरा थाने में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, लेकिन बाद में समझौता हो गया था, जिसके बाद उसने बेटियों के साथ ही घिनौनी हरकत शुरू कर दी। आरोपी के बारे में बताया जाता है कि वो नशे का आदी है, जिसके कारण वो लंबे समय से अपनी पत्नी के साथ आए दिन मारपीट करता है, और यही वजह है कि पत्नी ने परेशान होकर घर छोड़ दिया। बेटियों के साथ लंबे समय से पिता के द्वारा दुष्कर्म किए जाने की शिकायत पर पुलिस ने IPC एवं पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत अपराध कायम करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये परसों रात्रि में दो बच्चियों ने महिला थाने में आके शिकायत की कि उसके पिता के द्वारा पिछले 7 वर्षों के दोनों बच्चियों के साथ में गलत कार्य किया जा रहा था। उसके कारण से पिछले जब अगस्त के मैं उनके साथ गलत काम किया था, उसकी छोटी बहन के साथ जो नाबालिग है अभी, तो वो लोग घर से चली गई थी और किराए से अलग रहने लग गई थी। पिता उनकी माँ के माध्यम से लगातार उनका दबाव बनाता था कि वापस आ जाएँ, लेकिन वो लोग वापस नहीं गई। इसके बाद माँ को भी परेशान करने लगा था, तो माँ के द्वारा भी संबंधित थाने में 498 का प्रताड़ना का केस रजिस्टर करा रखा था उस पिता के खिलाफ में। वो केस चल रहा था कि परसों के दिन ये बच्चियां जब थाने पे आई तो माला थाना प्रभारी के द्वारा गंभीरता से उस मामले को सुना गया और तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध करके आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और आरोपी को जेल भेज दिया गया है। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।